बिहार इलेक्शन अपडेट्स। माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे पप्पू यादव, तेजस्वी ने राघोपुर से किया नॉमिनेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज हेल्पलाइन में। पल पल के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार चार जनसभाओं को एक साथ अपनी वर्चुअल रैली की शुरुआत की। नीतीश कुमार की जनसभाएं बंका के अमारपुर और भांगलपुर के सुल्तानगंज और मंगेरू के तारापुर में हो चुकी है। इसके बाद अब वे पटना के मोकामा में जनसभा कर रहे हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल के नेता वे महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने राघोपुर सीट से हाजीपुर में नामांकन दाखिल कर दिया है। आज दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में दूसरे व तीसरे चरण के प्रत्याशी के नाम तय कर दिए जाएंगे। बिहार में चुनावी हलचल की पल पल की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी चुनावी रैली के पहले दिन की आखिरी सभा शाम 3 बजे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में घोषवारी में की। आमतौर पर किसी इलाके से अपने रिश्ते की बात मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में बहुत कम करते हैं, पर घोषवारी में उन्होंने अपने संबोधन में ही पुराने रिश्ते की चर्चा के साथ शुरू किया। मोकामा की बात पर उन्होंने कहा कि यहाँ की लोगों की वजह से ही मुझे लोग जानते हैं। मैं यहाँ से 5 वर्ष सांसद रह चुका और इसमें क्षेत्र को कभी नहीं भूल सकता। मुख्यमंत्री ने मोकामा से चुनाव लड़ रहे राजीव लोचन उर्फ अशोक बाबू के पिता वेंकटेश बाबू की चर्चा छेड़ी और कहा कि भाजपा में रहते हुए उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने यह अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, उन्होंने वेंकटेश बाबू से मेरा समर्थन पर सवाल किया क्योंकि भाजपा का प्रत्याशी भी मैदान में था। वेंकटेश बाबू ने मेरे लिए अटल जी का आशीर्वाद मांगा। तब अटल जी ने कहा कि चलिए जो कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दे उसे ही जिता देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिहार चुनाव के अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।